दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दीक्षा यादव ब्लॉग चैनल के बारे में बताया था, जिनके चैनल पर दोस्तों मोनेटाइजेशन के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक, रियूज कंटेंट जैसी प्रॉब्लम आ गई थी और उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। और उनके चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरी प्रॉब्लम को रिव्यू किया था, जो कि आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है। ये वीडियो दोस्तों उसी पार्ट का पार्ट टू है। और इस वीडियो में दोस्तों हम उनके चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसको कैसे हम हटाएंगे वो तरीका आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपके भी चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है या इन द फ्यूचर में आएगा तो ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी आपके चैनल की कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने लैपटॉप पर ले चलते हैं और दीक्षा यादव ब्लॉग चैनल को ओपन कर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। अब दोस्तों मैं इनका चैनल यहाँ पर ओपन किया, इन्होंने मेरे साथ जो है आईडी और पासवर्ड शेयर किया, किसी भी अनजान के साथ शेयर मत करना। टेक्नो गुरुदेव पर भरोसा करके शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर मुझे कंफर्म कर सकते हैं, उसके बाद अपना आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, योर वीडियो वाज रिमूव ड्यू टू अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट। यहाँ पर दोस्तों तीन कॉपीराइट स्ट्राइक का जहाँ पर पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा है, जो कि पहला 15 मई 2023 को आया और दूसरा है 15 जुलाई 2023 को आया। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो है यहाँ पर नहीं आया, वरना चैनल चला जाता। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, ए कॉपीराइट ऑनर आस्क्ड अस टू टेक डाउन योर वीडियो बिकॉज दे बिलीव दैट इट कंटेन्स मटेरियल दैट वायलेट्स द कॉपीराइट। इफ यू गेट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, योर अकाउंट अलॉन्ग विथ एनी एसोसिएटेड चैनल विल बी सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन। बहुत ही ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो कॉपीराइट ऑनर है उसने यूट्यूब से पूछा कि जो वीडियो थी उसे टेक डाउन किया गया कि नहीं। तो यूट्यूब ने चेक किया दोस्तों, और जो वीडियो थी उसमें जो है कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट शामिल थे जिसकी वजह से वायलेट हो रहा था जो है कॉपीराइट रूल, और वीडियो जो है टेक डाउन कर दी गई। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, और उसके साथ जो भी अकाउंट जो है लिंक होगा चैनल के साथ वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे बताया गया कि व्हाट यू कैन डू, डू नथिंग, स्ट्राइक एक्सपायर आफ्टर 90 डेज। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो स्ट्राइक है वो 90 डेज में अपने आप एक्सपायर हो जाएगी। एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन स्टिल यूज यूट्यूब। आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करके कॉपीराइट स्कूल ज्वाइन करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करने के लिए बोला जा रहा है। डिलीटिंग द वीडियो विल नॉट रिमूव द स्ट्राइक। अगर आप वीडियो को डिलीट करते हैं तो भी आपकी स्ट्राइक हटने वाली नहीं है। बहुत लोग दोस्तों स्ट्राइक आने के बाद वीडियो डिलीट करते हैं, सोचते हैं कि स्ट्राइक हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन, यू कैन कॉन्टेक्ट द क्लेमेंट डायरेक्टली एंड आस्क देम टू विदड्रॉ द कंप्लेंट। दोस्तों यहां पर बोला गया कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉपीराइट जो ऑनर है उससे, और आप उससे बात कर सकते हैं कि आप विड्रॉ कर लीजिए, जो स्ट्राइक आपने दिया उसे वापस ले लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर वो स्ट्राइक हटा लेते हैं तो आपका चैनल सेफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन, इफ यू बिलीव दैट योर वीडियो वॉज रिमूव्ड इन एरर यू कैन फाइल अ लीगल डिस्प्यूट ऑल्सो नोन एज काउंटर नोटिफिकेशन। आप यहां पर काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो वीडियो है वो किसी एरर की वजह से YouTube ने हटाया है, आपने कुछ भी उसमें ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया था जिसकी वजह से आपकी वीडियो टेक डाउन करनी चाहिए थी, तो आप यहां पर काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। रिव्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हमको क्या शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। कॉपीराइट स्कूल आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियो दोस्तों वो सारी वीडियो डिलीट की गई हैं, ठीक है। और ये सभी वीडियो बिग बॉस OTT से उठाकर इन्होंने अपलोड कर दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्ट्राइक ऑनर है दोस्तों वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंटेंट रिमूव्ड बाय एप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों एप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जो कि बड़े बड़े टीवी सीरियल, शो, मूवी को जो है कॉपीराइट से बचाती है, बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर अपना जो है पैसा देते हैं और ये कंपनी इनके कॉपीराइट को रोकती है, मतलब कि कोई भी उनका कंटेंट कहीं पर भी अपलोड ना कर पाए। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, एक्सपायर ऑन 13 अक्टूबर इफ कॉपीराइट स्कूल इज कंप्लीटेड। अगर आप कॉपीराइट स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है ये खत्म हो जाएगा 13 अक्टूबर को। और यहाँ पर स्ट्राइक कंटेंस 5 वीडियो, 5 वीडियो की वजह से इनको स्ट्राइक आई है। शुक्र है कि इनको 3 स्ट्राइक नहीं दी गई है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट क्लेमेंट।
अगर हम कांटेक्ट करेंगे क्लेमेंट से, तो ये कंपनी से अगर आप कांटेक्ट भी करेंगे तो ये कोई हेल्प नहीं करेगी, ना ही आपका स्ट्राइक हटाने वाली, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है कुछ ऐसे OTT जो कि ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम, जो भी शो चल रहे हैं उनका जो है आपने वीडियो उठाया है, और ये जो है ऑलरेडी उस कॉपीराइट को रोकने के लिए जो है बने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, आप यहाँ पर सबमिट ए कॉन्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से ही हुआ है, और यहाँ पर अगर YouTube की गलती होती तो आप सबमिट कॉन्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। केरला स्टोरी का भी इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड किया था, तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ चुकी हैं। तो आपको कोई भी दोस्तों मोनेटाइज चैनल पर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, खुद का कंटेंट बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए, व्यूज लाइए, काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉपीराइट स्कूल के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइड में, वो आपको कंप्लीट करने हैं, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। पहले आपको इस वीडियो को देखना है, उस वीडियो के आधार पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसी के हिसाब से जो है ये YouTube जज करेगा कि आपने कितना कॉपीराइट को समझा। पहली बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक दो ही तक सीमित रह गई है तो आप यहाँ पर कॉपीराइट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि किस वजह से कॉपीराइट आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, जैसे कि द फॉलोइंग आइटम्स मे बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से आइटम जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉपीराइट के थ्रू जो है, तो ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑल ऑफ एबव सेलेक्ट कर लेना है। इफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इट इज इन द पब्लिक डोमेन एंड देयर फॉर ओके टू अपलोड टू यूट्यूब फॉल्स, क्योंकि दोस्तों हम जो है किसी भी पब्लिक डोमेन से कुछ भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते। कंटेंट दैट वॉज वंस अलाउड बाई अ कंटेंट ऑनर मे बी सबसिक्वेंटली रिमूव फ्रॉम यूट्यूब, तो ये सही है, इसको ट्रू कर देना है। द फॉलोइंग आइटम आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई कॉपीराइट, यहाँ पर दोस्तों जो पीपल होते हैं वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, तो यहां पर पीपल को सिलेक्ट कर चेक आंसर पर हम क्लिक करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा आंसर यहां पर हमारा सही है। तो यहां पर सभी जो है आंसर हमारा सही है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने इसका आंसर दिया था। आप भी जो है ये क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, उस आधार पर जो है यहां पर आंसर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉपीराइट स्कूल, हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा आंसर हमने सही दे दिया, मतलब कि हमारा जो है जो स्ट्राइक है वो 90 दिनों में हटा दी जाएगी, डन यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। बाहर आने के बाद दोस्तों इस चैनल का YT स्टूडियो पेज हमने ओपन किया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल वायलेशन और एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, और यहाँ पर दोस्तों तीन में से दो स्ट्राइक आ चुकी है, अगर तीन आते हैं तो चैनल रिमूव कर दिया जाता तुरंत। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मोनेटाइजेशन के बाद आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों दीक्षा यादव ब्लॉग चैनल ने मोनेटाइजेशन के बाद OTT प्लेटफॉर्म से वीडियो उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से इनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। दोस्तों जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होती है, मतलब दोस्तों कि आपको किसी दूसरे चैनल की कोई वीडियो नहीं अपलोड करनी होती है, आपको किसी भी टीवी सीरियल या मूवी या शो का कोई भी वीडियो क्लिप आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी वेबसाइट से कोई भी फोटो वीडियो म्यूजिक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपका चैनल रिस्क में है, मतलब कि मोनेटाइजेशन के बाद आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, तभी आपका चैनल यूट्यूब पर लंबे समय के लिए चल पाएगा। तो दोस्तों मैंने दीक्षा यादव चैनल की जो कॉपीराइट स्ट्राइक वाली प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन तो कर दिखा दिया, लेकिन दोस्तों इनके चैनल पर एक और प्रॉब्लम है जो कि है रीयूज प्रॉब्लम, ठीक है, रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम, और इसके ऊपर मैं Part 3 लाऊंगा। ये वीडियो दोस्तों इनके चैनल के ऊपर Part 2 था, और इसके ऊपर मैं Part 3 लाऊंगा, जिसमें कि इनके चैनल के रीयूज कंटेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर आपको दिखाएंगे, जिस वीडियो के हेल्प से आप भी अपने चैनल के रीयूज प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों Part 3 देखने के लिए आपको टेक्नोगुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।